भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बागवाड़ी में पुरानी बंद पड़ी कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। बताते हैं कि कोल्ड स्टोरेज काफी वक्त से बंद पड़ा है। शनिवार को कोल्ड स्टोरेज के ऊपर से निकलता धुआं स्थानीय लोगों की नजर में आया, जिसके बाद आग लगने का पता चल सका। वहीं घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को देने के बाद 3 दमकल की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। मामले को लेकर अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कोल्ड स्टोरेज के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दीवारों पर फॉर्म चिपकाई जाती है, जिसमें आग लगने के कारण लपटें तेजी से फैलने लगी और कोल्ड स्टोरेज में आग लगती चली गई। उन्होंने बताया कि आग लगभग 24 घंटे पहले लगी है, पर कोहरा के कारण लोगों की नज़र कोल्ड स्टोरेज से निकलती धुएं पर नहीं गई। प्रथम दृष्टिया अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग के कर्मचारी अभी निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं भी आग की एक चिंगारी फिर से धधक सकती है। यही कारण है कि चारों तरफ से कोल्ड स्टोरेज को गीला कर आग पर काबू पाया गया। इस दौरान मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही। लगने की सूचना मिली कि बागवाड़ी पुराने कोल्ड स्टोर में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 छोटी गाड़ियां एवं 2 बड़ी गाड़ियां के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। यहां देखने के बाद पता चला कि आग काफ़ी पहले लगी हुई है, प्रायः लगता है 24 घंटा के पहले आग लगी हुई थी, सूचना बाद में मिली है। उसका मुख्य कारण है कि ये आग बिल्कुल कोल्ड स्टोर 2500 वर्ष से बंद पड़ी है और आग का फैलाव वो अंदर में जो फोम होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसी में पकड़े हुए हैं। आग प्राय लगभग बुझ ही चुका है, बुझाने का प्रयास जारी है। पूरी तरह इस पर किस तरह काबू पाया जाएगा? इस अग्निकांड को काबू पाने में हमें समय लगेगा। जब तक कि टोटल फोम को हम डिस्कनेक्ट नहीं कर देते हैं या जितने भी फोम के बगल में प्लास्टर से ढका हुआ फोम है उसके अंदर को नहीं बुझा पाते, तब तक आग नहीं बुझ पाएगी। अग्निकांड में इस अग्निकांड में किसी भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। ये आग संभवतः असामाजिक तत्वों द्वारा लगाया गया है। प्रथम दृष्टया तो यही प्राप्त होता है कि इसमें किसी प्रकार की बिजली की व्यवस्था नहीं थी। 2500 वर्षों से हौज पड़ी हुई है, कोल्ड स्टोरेज पड़ी हुई है, सुनसान इलाका में है। क्या लग रहा है सर इसमें? असामाजिक तत्वों द्वारा लगाया हुआ प्रतीत होता है। भागलपुर समीक्षा भवन में शनिवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिला परिषद चेयरमैन और सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला परिषद चेयरमैन अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर डीडीसी और एसडीओ समेत अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा की गई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात जिलाधिकारी के समक्ष रखी। वहीं एक ओर जहानाथनगर क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य मिथुन कुमार के नेतृत्व में 20 जिला परिषद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हस्ताक्षर कर जिलाधिकारी को सौंपा, तो दूसरी ओर वर्तमान अध्यक्ष टुनटुन साह ने अविश्वास प्रस्ताव में लगाए गए सभी आरोपों को गलत और निराधार बताते हुए अपने साथ 27 जिला परिषद सदस्य के समर्थन होने का दावा किया। इधर चीफ सदस्य मिथुन कुमार और उनके समर्थकों ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद वो अपने क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं करा पाए, जिससे जनता के बीच उन सभी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होने लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी के द्वारा जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त के समक्ष हस्ताक्षर कर पत्र सौंप दिया गया है। वहीं इस राजनीतिक उठापटक के बीच टुनटुन साह और विरोधी गुट के समर्थकों द्वारा अपने अपने नेता की जीत का दावा किया जा रहा है। इस दौरान पूरा DRDA परिसर जिला परिषद सदस्य एवं उनके समर्थकों से पटा रहा। अपने दिल की हृदय की गहराई से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमेशा हम लोगों का साथ दिया और जो सच्चाई के राह पे चलते हैं आप लोगों ने उनको उजागर करने का काम किया, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोगों का जो बैठक है DM सर के यहाँ, DM सर निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों का बात को सुने समझे और उम्मीद है आज शाम तक हम लोगों को विश्वास का जो डेट है आज मिल जाएगा। तो 7 आरोप हम लोगों ने अध्यक्ष जी के खिलाफ में लाए थे, उस पर सफाई मांगा गया वर्तमान अध्यक्ष से कि आपको क्या कहना है, तो वो कहा कि ये सारा चीज़ गलत है। लेकिन हम लोगों ने 20 जिला परिषद सदस्यों ने अभी DM साहब के सामने में वो विश्वास प्रस्ताव पर साइन किए और करके दिए कि हम लोग ये बहुमत में नहीं है, अध्यक्ष जी इसको पदमुक्त समझा जाए
और बीसों का हस्ताक्षर आपके सामने में हम लोग करके दे रहे हैं। डीएम साहब ने उस पर सत्यापित भी किया कि वो विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 20 पार्षदों ने हस्ताक्षर किए। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में शनिवार को जमीन विवाद के निपटारा को लेकर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान सुल्तानगंज के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से दर्जनों फरियादी अपनी जमीन संबंधित समस्याओं को लेकर थाना पहुंचे। वहीं थाना में अंचल के कर्मियों एवं थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन के द्वारा दर्जनों फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उसके निदान का भरोसा दिलाया गया। इधर अंचल कर्मियों ने बताया कि सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से 2 नए मामले आए, जिसमें एक मामले का निष्पादन किया गया, बाकी 1 नए एवं 1 पुराने मामले का निष्पादन अगली शनिवार को किया जाएगा। मौके पर अंचल के कर्मी, पुलिस एवं दर्जनों फरियादी मौजूद रहे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर में 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हवाई अड्डा ग्राउंड पर एक दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन भरेपुरा 11 स्टार फुटबॉल क्लब के द्वारा किया गया। आयोजनकर्ता मोहम्मद फैजल ने बताया कि फाइनल मैच फैसल सॉकर एकेडमी बनाम SSC भागलपुर के बीच खेला गया, जिसमें फैसल सॉकर फुटबॉल एकेडमी की ओर से पहला गोल संदीप कुमार ने, जबकि दूसरा गोल सनी कुमार ने दागा। दूसरी ओर से SSC भागलपुर की ओर से मात्र एक गोल इंद्रजीत कुमार के द्वारा दागा गया और फैसल सॉकर एकेडमी 2-1 से विजेता रही। मैच के मुख्य अतिथि जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण रहे। वहीं निर्णायक की भूमिका में कृष्ण कुमार, गोपाल कुमार, ईजान माजिद एवं आकाश कुमार थे। मौके पर एथलेटिक सचिव नशर आलम, फारूक आलम, मेराज बबलू समेत अन्य खिलाड़ी व दर्शक मौजूद रहे। भागलपुर में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह शुक्रवार को सेंडिस कंपाउंड स्थित मुख्य समारोह स्थल पर धूमधाम से आयोजित किया गया। इसके अलावा शहर के अन्य सभी संस्थानों एवं कार्यालयों पर भी झंडोत्तोलन किया गया। बता दें कि सेंडिस कंपाउंड में झंडोत्तोलन के लिए प्रभारी मंत्री को आमंत्रित किया गया था, पर उनके उपस्थित नहीं होने के कारण परमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने सेंडिस कंपाउंड में झंडोत्तोलन किया। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 12 अलग अलग झांकियां निकाली गई, साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं को भी प्रदर्शित करता स्टॉल लगाया गया। मुख्य समारोह में CTS नाथनगर की धुन भी बजती रही। किलकारी, IEEE भागलपुर एवं अन्य स्कूली बच्चों द्वारा अलग अलग झांकी की प्रस्तुति दी गई। साथ ही BMP बिहार गृह रक्षा वाहिनी व जिला पुलिस की टुकड़ी के द्वारा पैरेड का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मौजूद सभी लोगों ने झंडे को सलामी दी।